सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में बीते 24 घंटे में कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिली थी। दोस्तों, जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था, सेम कंडीशन बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान के अधिकांश जिलों में नजर आई है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में 2 से 4 इंच तक बरसात आपको देखने को मिली है। बांधों में पानी का लेवल बढ़ चुका है। जवाई बांध 70% तक भर गया है। यहाँ लगातार पानी की आवक जारी है और आगामी 3 से 4 दिनों तक ये बारिश की गतिविधियाँ इसी तरह से आपको और देखने को मिलेंगी। कई जगहों पर अलग अलग दिन तेज बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बरसात की अगर बात करें तो दोस्तों, भीलवाड़ा के करेडा में 105 mm बरसात दर्ज की गई, जो कि बीते 24 घंटे की राजस्थान की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। उदयपुर में तेज बारिश के कारण फतेह सागर झील का भी जलस्तर बढ़ चुका है। राजस्थान में मानसून के सीजन में अब तक सामान्य से 90% ज़्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 22 जुलाई तक सामान्य बारिश 161.4 mm होती है, लेकिन इस बार सीजन में अब तक 306.1 mm बरसात हो चुकी है। बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर और झालावाड़ को छोड़कर शेष जिलों में बारिश सामान्य से ज़्यादा हो चुकी है। पाली, भीलवाड़ा एरिया में तेज बारिश के कारण बीसलपुर जवाई बांध के गेज में इजाफा हुआ है। बीसलपुर बांध का गेज पिछले 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़कर 313.52 RL तक पहुंच गया है। जवाई बांध का गेज 15.95 मीटर से ऊपर चला गया है। जवाई का फुल गेज 18.67 मीटर का है। वर्तमान में बांध 70% भर चुका है। ऐसे में संभावना है कि अगस्त में बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, विदिशा, रतलाम, बैतूल, गोपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों के कारण अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव है और इनके कारण दोस्तों, आपको अब लगातार 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश कई स्थानों पर नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने की और संभावना है, जिसके कारण ये मानसून की गतिविधियां राजस्थान में आपको और बढ़ी हुई नजर आएंगी। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश की अगर बात करें तो दोस्तों, सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में 73 mm बारिश दर्ज की गई। बोगोड़ा बांसवाड़ा में 71, बागीडोरा बांसवाड़ा में 63, धौरीमन्ना बाड़मेर में 65, धनाऊ बाड़मेर में 53, सिब बाड़मेर में 51, कारेडा भीलवाड़ा में 105, कोटडी भीलवाड़ा में 70, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में 35, गंभीरी डैम चित्तौड़गढ़ में 25, बेजा डूंगरपुर में 79, सबला डूंगरपुर में 64, आसपुर डूंगरपुर में 55, पदमपुर श्री गंगानगर में 58, फतेहगढ़ जैसलमेर में 59, साकरा जैसलमेर में 39, भद्राजून जालौर में 35, बागीडोरा जालौर में 31, छापी डैम झालावाड़ में 37, रायपुर झालावाड़ में 41, जोधपुर में 40, मंडाना कोटा में 75, कोटा बैराज में 35, सरदार समंद पाली में 30, रोहट पाली में 28 और दालौत प्रतापगढ़ में 37 mm बारिश दर्ज की गई। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था कि उदयपुर और कोटा संभाग सहित जोधपुर संभाग के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिलेगी, वहीं दोस्तों, आपको बताया गया था कि अजमेर में भी कई स्थानों पर आपको तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर नजर आएगा। सेम कंडीशन दोस्तों, आपको अभी तक देखने को मिली है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों, ये बारिश का सिलसिला अब आपको लगातार 48 से 72 घंटों तक नजर आएगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में ये बारिश की गतिविधियां आपको थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों, आपको सर्वाधिक ये बारिश का दौर उदयपुर और कोटा संभाग में देखने को मिलेगा। अजमेर संभाग के भी दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में आपको मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। जयपुर संभाग का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। जयपुर संभाग में जहां बीते दिनों में लगातार टेम्परेचर में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला था, अब धीरे धीरे इस तापमान में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा सिरोही में तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर आगामी 48 से 72 घंटों तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, कोटा संभाग के मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में लगातार ये बारिश की गतिविधियां आपको नजर आएंगी। कई स्थानों पर आपको मध्यम से तेज बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा।
वहीं दोस्तों भीलवाड़ा और अजमेर की बात करें तो यहां पर भी कुछ स्थानों पर आपको तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। राजसमंद और पाली के आसपास के कई क्षेत्रों में आपको मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जयपुर संभाग के दोस्तों झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर, दौसा में कई स्थानों पर तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। भरतपुर संभाग के दोस्तों भरतपुर और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में आपको कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश तो दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर नजर आएगा। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों से कॉमेंट करके पूछ रहे थे दौसा और दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा के भी कुछ क्षेत्रों से बीते 24 घंटे में कमेंट आए थे। तो दोस्तों अब आपके यहाँ पर लगातार ये बारिश की गतिविधियाँ आगामी 48 से 72 घंटों तक ऐसे ही देखने को मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिला था, लेकिन अब इन बारिश की गतिविधियों में आपको कमी देखने को मिलेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और दोस्तों जालौर में बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल कम देखने को मिलेंगी। इक्का दुक्का स्थानों पर ही आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको बारिश की ये गतिविधियाँ हल्की फुल्की ही कुछ ही स्थानों पर नजर आएंगी। बीकानेर संभाग के दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में भी ये बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल कम ही देखने को मिलेंगी। इक्का दुक्का स्थानों पर दोस्तों छुटपुट बारिश बीकानेर और जोधपुर संभाग में आपको नजर आ सकती है। भारी बारिश की दोस्तों इन दोनों संभागों में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहां से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के अलर्ट आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। अब दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहां पर बात करेंगे 24, 25 और 26 जुलाई के मौसम के बारे में। 24 जुलाई को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में आपको येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में आपको यहां पर ग्रीन अलर्ट देखने को मिल रहा है। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों यहां पर गहरे काले बादलों के सिंबल भी IMD ने जारी कर दिए हैं। अब ये बारिश की गतिविधियां सर्वाधिक आपको उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग में देखने को मिलेंगी। अजमेर संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर नजर आएगा और दोस्तों जयपुर संभाग के सभी जिलों का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। कई स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज़्यादातर जिलों में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम देखने को मिलेंगी। टेम्परेचर एक बार फिर से आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। जोधपुर संभाग के दोस्तों पाली और राजसमंद के आसपास के कुछ ही क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। ज्यादातर जिलों का मौसम आपको साफ ही और नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 25 जुलाई के मौसम के बारे में। 25 जुलाई को यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों फिलहाल संपूर्ण राजस्थान को येलो क्षेत्र में रखा गया है। गहरे काले बादलों के सिंबल भी यहाँ पर IMD ने जारी कर दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों अब आपको संपूर्ण राजस्थान में ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आएंगी। दोस्तों सर्वाधिक बारिश का ये सिलसिला पूर्वी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों में तीव्र मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा। भरतपुर संभाग में भी दोस्तों मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। यहां पर भी कई स्थानों पर आपको मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेंगी। जोधपुर संभाग और दोस्तों बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं यहां पर 26 जुलाई के मौसम के बारे में। 26 जुलाई को यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों फिलहाल भी यहां पर राजस्थान की स्थिति सेम दर्शाई हुई है। गहरे काले बादलों के सिंबल दोस्तों यहां पर दर्शाए गए हैं और राजस्थान को येलो क्षेत्र में रखा गया है। दोस्तों आगे जैसे ही नए अपडेट आएंगे तो आपको पूर्वी राजस्थान में यहां पर ऑरेंज अलर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, और पश्चिमी राजस्थान में ये बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। पूर्वी राजस्थान में तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर आपको कोटा संभाग और उदयपुर संभाग सहित अजमेर और भरतपुर, जयपुर संभागों में भी देखने को मिलेगा। बारिश की ये गतिविधियाँ बहुत तीव्र रफ्तार से आपको नजर आएंगी। जयपुर संभाग की अगर बात करें तो दोस्तों कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी आपको नजर आ सकती है। वहीं दोस्तों जोधपुर संभाग में भी इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। बीकानेर संभाग में दोस्तों हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में ये बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर जारी रहेंगी। दोस्तों आगे जैसे ही कोई नए अपडेट आएंगे या फिर से बंगाल की खाड़ी में कोई नया मौसमी सिस्टम बनेगा तो सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराया जाएगा।